वेलकम टू माय चैनल नीलिमा वर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ब्लश पैलेट का डेमो लेकर आई हूँ, वो है स्विस ब्यूटी की। आपने मेरे काफी वीडियो में ये यूज करते हुए देखा होगा, तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो ही बना लिया जाए आपके लिए। ये है इस प्रकार का, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मीडियम बजट में बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए 3 3 6 6 पीस 1 2 एंड 3, और साथ में हाइलाइटर भी, और ये मिक्स मैच टाइप का है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और मीडियम बजट में तो बहुत अच्छा है। ये 250-300 के अंदर में है ये इसका, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम हो गया है मुझे लिए हुए, तो थोड़ा सा क्योंकि मैं इकट्ठा ज्यादा सामान लेती हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट में ये मिल जाता है। और ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा आसानी से, इसका प्रोडक्ट तो काफी ऑनलाइन भी मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऑफर में भी मिल जाए तो आप ले सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, इसका मैं लोकल ही खरीदा हुआ है। तो चलिए, मैंने मेकअप तो कर चुकी हूँ, बहुत ही लाइट और हल्का मेकअप की हूँ। इसके साथ ब्लश कैसे यूज करें, कैसा क्या करें, चलो बताते हैं। सबसे अच्छी चीज इसमें ये जो दिख रहा है ना डार्क, ये कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो हल्का कॉन्टोरिंग इससे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके भी बता देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा लाइट लीजिए, बहुत ही हल्के में ब्रॉन्जर टाइप का, थोड़ा सा जो इस पोर्शन में है, ज्यादा नहीं लाइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क में भी नहीं है और लाइट है तो उसके लिए ठीक रहेगा। ये देखिए, इसकी डबल चिन है तो वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मेरी भी है हल्का और लाइट में। सिर्फ लाइट, जिसको कॉन्टोरिंग ज्यादा पसंद नहीं है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि लाइट में यूज हो जाए। मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। आप इसमें ब्लश का यूज करेंगे, आप चाहे तो पिंक कर सकते हैं, दोनों पिंक को मिक्सिंग मैच, या फिर आप ये दोनों और ये ऐसे करके हल्का सा ऐसे झटकाने से, ब्रश को करने से जो एक्स्ट्रा लगा हुआ रहता है ना वो हट जाता है। तो देखिए, मैंने ऐसा किया, बहुत ही लाइट, बहुत ज्यादा हैवी हाथ से उसको नहीं, प्रोडक्ट को नहीं लिया है, बहुत ही लाइट लिया है। और फिर इसको इस तरीके से पहले लाइट इसमें अपने गालों पर लगाएं, देख लें कि थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, फिर यहाँ लगाएं। जिसको ज्यादा थोड़ा सा पिंक पसंद है तो वो ज्यादा यूज कर सकते हैं, जिसको कम पसंद है तो वो अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, कई लोगों को पसंद ज्यादा रहता है, तो वो अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, क्योंकि ये थोड़े से में बहुत ज्यादा फैल जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा ऑड भी लगने लगता है। तो एक तरीका है, आप प्रोडक्ट को लो, हाथ में ऐसा थोड़ा सा लगाओ ब्रश को, तो उससे जो एक्स्ट्रा रहता है ना तो वो झर जाता है, उसमें गिर जाता है, और फिर जो थोड़ा बहुत जो बचता है वो फेस में आता है। तो देखिए, मुझे इतना पसंद है इसलिए मैंने इसको लगा लिया, इससे ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, मुझे ओवर लगने लगता है। अब इसी के साथ हाईलाइट का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, जहां जहां आपको जरूरत है आप इसका यूज कर लीजिए। अगर आपको दूसरा कोई ब्रांड लगाना है का यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको इसी पैलेट से ये करके बता रही हूं।
आप चाहे तो फिंगर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रश का यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके का ब्रश ले सकते हैं, ये देखिए ऐसे यूज कीजिए। और जहां जहां आपको लगता है कि आपको हाईलाइट करना है आप वहां कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, बहुत ही लाइट में ही इसका यूज किया है आपको दिखाने के लिए कि आप एक पैलेट से दो काम का यूज कर सकते हैं। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट में अब बजट के रहते हैं, साथ में इसका रिजल्ट भी अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है। ये देखिए थोड़ा सा इस एरिया में लगाने से, माथे पर लगाने से ये थोड़ा सा हाईलाइट करने लगता है, फेस थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है। देखिए बहुत ही कम मेकअप के साथ हमारा एक बहुत अच्छा पार्टी मेकअप समझो, या कोई फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शन में जाना है उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद होगा तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ नए प्रोडक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।